मुरादाबाद से खबर है जहां पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की शर्मनाक करतूत सामने आई। भरे मंच पर पूर्व राज्यपाल ने गार्ड से मसाज कराई। कैमरे चल रहे थे, अजीज कुरैशी ये सब जानते हुए भी अपने पांव दबवाते रहे। तो अजीज कुरैशी जो राज्यपाल रह चुके हैं उत्तराखंड के भी इससे पहले, और ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर जो गार्ड उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है उनसे अपनी सेवा करा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी है गार्ड की उसके अलावा उनसे अपने निजी काम कराए जा रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए मुरादाबाद की तस्वीर सामने आई जहाँ पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी अपनी सुरक्षा में लगे गार्ड से कुछ इस तरह अपनी सेवा कराते हुए तस्वीरों में कैद हुए। तो समाचार प्लस पर आप देख सकते हैं किसी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे यहाँ पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, और इस दौरान किस तरह से एक गार्ड से अपनी सेवा करवा रहे थे, पांव दबवा रहे थे, कंधों की मसाज करा रहे थे, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये सुरक्षा कर्मी है जिनकी एक ड्यूटी है और वही जिम्मेदारी इनकी है कि सुरक्षा में लगे रहें। लेकिन ये अमूमन होता है, चाहे हम बड़े कुछ राजनेताओं की बात करें तो जो उनको सुरक्षा कर्मी दिए जाते हैं तो कुछ इस तरह से उन्हें अपना सेवक ये लोग समझ बैठते हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें यहाँ भी कैद हुई हैं जहाँ पूर्व राज्यपाल और पहले कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं अजीज कुरैशी यहाँ पर अपने सुरक्षा कर्मी से, अपने सुरक्षा गार्ड से अपने हाथ पाँव दबवाते, अपनी सेवा करवाते नजर आए। तो समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की, ये शर्मनाक तस्वीरें हैं जहां पर एक गार्ड जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है, ऑफिशियली तैनात है, लेकिन उस गार्ड से किस तरह अपनी सेवा करवा रहे हैं, एक सेवक की तरह उससे कैसे सलूक कर रहे हैं ये आप देखिए। हाथ पांव दबाए जा रहे हैं, कंधे दबाए जा रहे हैं, यानी कि पूरे तरह से अपनी सेवा कराई जा रही है इन सुरक्षा गार्ड से। तो भरे मंच पर ही सब कुछ हो रहा है जहां गार्ड अजीज कुरैशी के हाथ पांव दबवाते नजर आ रहे हैं। तो और इशारा भी कर रहे हैं अजीज कुरैशी कहां कहां उनको तकलीफ है या फिर किस तरह से वो हाथ कभी कंधे दबाना चाह रहे हैं। और ये सारा जो नज़ारा है एक कार्यक्रम के दौरान का है, मुरादाबाद में पहुंचे थे जहां और मंच पर ही कुछ इस तरह अपनी सेवा करवाते नजर आए गार्ड से।